देखो बहुत सारे प्लेयर्स को मैच में नर्वस होने की एक दिक्कत होती है कि मैच में प्रैक्टिस में तो वो नॉर्मल फील करते हैं, लेकिन जब मैच होता है तो बहुत नर्वस हो जाते हैं, खासकर बैट्समैन के लोग, क्योंकि जो ओपन करते हैं, जो वन डाउन आते हैं, काफ़ी नर्वसनेस होती है उनको बैटिंग करते हुए। तो इसके लिए मैंने कुछ आपको टिप्स दिए थे कि जब आप बैटिंग करने जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो कि आप टाइम बिताओ, क्योंकि जैसे जैसे आपका क्रीज पे टाइम बीतता है आप नॉर्मल होते जाते हो, सिंगल डबल निकालो, उसके बाद आपकी जो वो नर्वसनेस होती है वो काफ़ी नीचे आ जाती है और आप फिर आराम से खेल सकते हो। और खासकर अच्छी टीम के साथ जब मैच होता है तो आप काफ़ी नर्वस हो जाते हो, ये हम सबके साथ होता है, लेकिन आपको इसके लिए मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होगा। और वो ये है कि आपको अपने आप को एक सुपरस्टार प्लेयर, अपने टीम का एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर बन के चलना होगा, और ये सारी चीज़ों के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नेट्स पे काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने गेम को इम्प्रूव करने में, तब जाके आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा कि आप एक बड़े प्लेयर हो, एक कॉन्फिडेंट प्लेयर हो और एक सुपरस्टार प्लेयर हो। कभी डरो नहीं, क्योंकि आप डर रहे हो तो भी आप फेल हो गए, तो अंदर से डर को निकाल दो, डरने की क्या ज़रूरत है, फेल अगर हो गए तो हो गए, तो हमेशा एक सुपरस्टार प्लेयर की तरफ खेलो, बड़े प्लेयर की तरह खेलो, एक बॉडी लैंग्वेज अपनी स्ट्रांग रखो, क्योंकि आप अगर क्रिकेट में स्ट्रांग हो तभी तो आप ऑन द क्रीज हो ना, अगर आप किसी दूसरी चीज़ में अच्छे होते तो फिर आप वहाँ जाओ। तो अगर आपको क्रिकेट में कॉन्फिडेंस लगता है तो आपको उस तरीके से खेलना चाहिए, और हमेशा अपनी टीम को जिताने की कोशिश करो, हमेशा जो आपका स्कोर शीट है वहाँ पे आपका नाम आना चाहिए, ज़्यादा आपने रन बनाए, ज़्यादा आपने विकेट लिए, अच्छे कैचेस लिए, ये चीज़ को ध्यान में रख के मैच खेलो कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है, कोई भी मैच खेलो उसमें आपको टॉप पे रहना है, तभी आपका कुछ फ्यूचर है क्रिकेट में। तो हमेशा बड़े प्लेयर की तरह खेलो, स्टार प्लेयर की तरह खेलो, नर्वस नहीं फील करो, कॉन्फिडेंट रहो, और क्रिकेट आपको आता है तभी तो आप खेलने आए हो, तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रख के खेलोगे तो आपको नर्वसनेस नहीं होगी, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, और अपने स्किल्स को बेटर करो, ज़्यादा रन करो, ज़्यादा फिटनेस अपनी अच्छी रखो, और दूसरों से ज़्यादा क्रिकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन लो, पढ़ाई करो, अपने ब्रेन को स्ट्रांग करो। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन जाओगे, आपको किसी से डर नहीं लगेगा, चाहे बात करने में, इंग्लिश में बोलने में या क्रिकेट खेलने में, और जब आप ओवरऑल ऐसी स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनोगे तो वो चीज़ मैच में भी दिखेगी और आप मैच में हमेशा अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये तरीके हैं, ये जो कुछ मेंटल टिप्स हैं मैंने आपको दिए, जिससे कि आपका एक गेम इम्प्रूव हो सकता है, आपकी नर्वसनेस दूर हो सकती है और आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। मैच में टिके रहो, सबसे पहले तो आराम से खेलो, चाहे बड़े से बड़ा बॉलर बॉलिंग कर रहा हो, चाहे बड़े से बड़ी टीम से खेल रहे हो, आराम से खेलो, कोई डर की बात नहीं है, सब नॉर्मल इंसान है, कोई डर की बात नहीं है। जैसे आप नर्वस हो वैसे सामने वाला भी नर्वस है, हमारा काम है नर्वस करना, खुद नर्वस नहीं होना, चाहे आप आउट हो जाओ चाहे मैच हार जाए वो एक अलग इश्यू है, लेकिन नर्वस हमको दूसरे को करना है, प्रेशर हमको दूसरे पे डालना है, खुद प्रेशर नहीं लेना है, खुद प्रेशर के सामने ढेर नहीं होना है। हम बड़े प्लेयर हैं, कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं, अच्छा खेलते हैं, रिस्पॉन्सिबल प्लेयर हैं और टीम को जिताने के लिए खेलते हैं और ज़्यादा जानते हैं। जब आप इन चीज़ों का आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप एक अच्छे प्लेयर बन के निकलोगे और परफॉर्मेंस भी आएगा।